तुम्हारा दिन अच्छा रहे दोस्त। शुक्रिया। तुम्हारा भी दिन अच्छा रहे दोस्त। तुम्हारा भी दिन अच्छा रहे तांजू। ये लो तुम्हारे लिए ये हड्डी वाला खास तोहफा। अरे वाह, क्या हड्डी है, मैं तो इसे ऐसे ही चबा जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। एक कुत्ते को अपनी हड्डी सालों छुपा कर रखनी पड़ी है। जमीन में दबे रहने से ये और लजीज हो जाती है। अब जाओ और इसे कहीं अच्छी जगह देख कर दफना दो। ठीक है, करता हूँ। अरे बाप रे, चलो अब मैं इस हड्डी को छुपा सकता हूँ। सुनो, खाना तैयार है, सब अपनी प्लेट्स ले आओ। मुझे कोई प्लेट नहीं चाहिए दादाजी, बस हवा में उछाल दो। तो ये लो। पापा, देखा आपने? हाँ, क्या हुआ बेटे? अरे अरे, मेरा एक सवाल है, ये ट्रक कितना वक्त लेगा इस पुल को खाली करने के लिए? मंडे तक। नहीं, गलत जवाब। तांजू, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे पुल को खाली क्यों कर रहे हो? तुमने वहाँ पुल क्यों बनाया जहाँ मैंने अपनी हड्डी दफनाई थी? ये देखो, मुझे देखो देखो, ऐसा करतब तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। तांजू, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, हमें कौन से सपने आएंगे कि तुमने हड्डी का छुपाई है? ये मेरा घर है। अरे तुमने मुझसे एक बार पूछने की जरूरत तक नहीं की कि मैंने यहाँ कोई हड्डी वड्डी तो नहीं छुपा रखी। तीन निकाटी, पानी खत्म हो रहा है, चलो बाहर निकलो। तांजू, पहले तुम ट्रक को बंद करो। दो, पानी पूरा खत्म हो गया निकाटी। एक, यहाँ से निकलो। ये देखो मेरा कमाल, रुक जा। अरे तोड़ दिया तुमने, तोड़ दिया। क्या टूट गया? चलो हटो, मेरी बारी है, अब मेरी बारी है निकाटी, उठो उठो। नहीं उठ सकता, शायद मैं फंस गया हूँ। तांजू, तुम्हें तुम्हारी हड्डी चाहिए या नहीं? अरे हाँ चाहिए, लेकिन पहले से पकड़ो तो सही। आओ दोनों मिलकर उठाते हैं इसे। जोर लगा के हर्षा, उठाओ मुझे। ओह, ये तो गए, निकाटी नीचे गए। ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब मैं उसके कबाब खा सकता हूँ। और मैं यही हूँ। चलो काम पर लगो। तांजू, ये तुम खुदाई का काम कब तक बंद करोगे? तुम्हारे वजह से हम पुल में नहीं जा पा रहे हैं। वो तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं अकेले खोदूंगा तो शायद काफी वक्त लग सकता। पापा, मैं पुल में जाना चाहता हूँ। हाँ, मुझे भी वो पुल चाहिए। वैसे अगर सबको पुल की जरूरत है तो हम तांजू की मदद करेंगे ताकि उसे अपनी हड्डी जल्द से जल्द मिल सके। अरे वाह, मजा आ गया। ठीक है, फिर पकड़ो इसे और खोदना शुरू करो। तो तुम बात कर रहे थे निकाटी, बोल, बच्चन देना बहुत आसान है। पर मैं कहीं भी खोद नहीं सकता, मुझे ना खोदने नाम की बीमारी है। डॉक्टर ने सख्त कहा है, पुलिया किसी और को मत खोदना। माफ करना, जब तक हम खोद रहे होंगे तब तक तुम क्या करोगे? वही जिसे करने में बेहद माहिर हूँ, खाली बैठना। इसका क्या मतलब हुआ? वाओ, हमें खुफिया सुरंग मिली है। मुझे नहीं पता था कि अपने घर के नीचे ऐसा भी कुछ होगा। हाँ? क्या तुम लोगों ने कुछ सुना? ये क्या है, गर्मा गर्म लावा हमारी ही तरफ आ रहा है। तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? भागो जल्दी से, अरे भागो रे। हे हे, यहाँ यहाँ आ जाओ। यहाँ इस तरफ आओ, खाना खा लो। तुम सब तो बहुत थक गए होगे, जाओ खा लो। बेटे, ये हम कैसी जगह आ गए हैं? पता नहीं पापा, किसी कबीलों का अड्डा लगता है। इनके कपड़े तो देखिए। क्या तुम आदिवासी हो? आदिवासी तुम होगे, पक्का तुम ही होगे, क्योंकि तुम हमारे घर में आकर हम ही को ऐसा कह रहे हो, बड़े बदतमीज हो। पापा की बात का बुरा मत मानना, बस थोड़े से अकड़बाज है। हम ऐसे वैसे नहीं है, समझे? जरा सोच समझ कर बात करना। आइए बैठ कर बात करते हैं। तांजू, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दी से वो हड्डी ढूंढो ना। ठीक है, तुम लोग खाना खाओ, तब तक मैं उस हड्डी को ढूंढता हूँ, बस इन्हें रोके रखना, ठीक है? चलो, खाना लग गया है, सब लोग खाना खा लो चल के। डिनर में क्या है? मुझे तो मस्त भूख लगी है। आइला,
ये क्या बनाया है? पसंद तो हमें भी नहीं है, पर खाना पड़ता है। आसपास यहाँ और कुछ नहीं मिलने वाला। निकाटी, क्या हो गया तुम्हें? प्यार से देखो। हमारे बीच ताकत की आजमाइश हो रही है। जो भी अच्छा से हम कहेगा वो जीतेगा। अब मैं जरा हल्का होकर आता हूँ। आप लोगों को खाना अच्छा लगा? बिल्कुल, हमें पसंद आया। तंजू गया ना? ये हड्डी आखिर गई कहाँ? आहा, तो यहाँ अंदर जाना मना है। अच्छा जी, अभी देखते हैं। टाओ जरा इसे। ओहो, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया मेरे प्यारे दोस्त। मैंने तुम्हें काफी मिस किया। अरकान, यहाँ कोई नॉर्मल खाना नहीं मिल सकता क्या? नॉर्मल का क्या मतलब है? बस यही है जो भी है। तुम समझे नहीं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे कि पराठा, आइसक्रीम, पिज्जा, ये सब नहीं मिलता क्या? ओह, ये तो मजेदार है। हमारे पास ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी। ये चीज क्या है? ये फोन है। तुम्हारे पास नहीं है क्या? ये फोन है और क्या? तो तुम लोग ऐसी जगह क्यों रह रहे हो जो तुम्हें पसंद नहीं? मेरे पापा को ये जगह बहुत पसंद है। वो चाहते हैं कि हम भी पसंद करें, पर हमें यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है। क्या अटारी गेम भी नहीं? क्या? है क्या? कैसी आवाज थी? किसी ने खुफिया दरवाजा खोल दिया? कौन है वो बेवकूफ इंसान? इधर आओ मेरे प्यारे दोस्त, इधर आ जाओ ना, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। यहाँ क्या चल रहा है? हाँ, ये सब क्या चल रहा है बताओ? इस कमरे में नहीं घुस सकते। अच्छा, घुस सकते? फिर मैं यहाँ कैसे घुस गया? मैं तो टॉयलेट ढूंढ रहा था। वो उस तरफ है, पर ऐसे ही हर दरवाजे में मत घुस जाना। हाँ हाँ, आई एम रियली सॉरी। अच्छा, इस हड्डी की क्या कहानी है, मुझे जरा बताना। ये हड्डी बहुत ही ज्यादा खास है। मैंने इसे ठीक 40 साल पहले यहीं पर पाया था जब ये जगह बनाई। ये हड्डी इस जगह की नींव है। ये पूरी की पूरी जगह इसी के ऊपर खड़ी हुई है। ये हमेशा से ही ऐसा है, प्यार जो है इस जगह से। मेरी समझ में नहीं आता इसे यहाँ क्या अच्छा लगता है। तो आ जाओ हमारे साथ, ऊपर खूब मस्ती करेंगे। वो किसी की नहीं मानेगा, इसमें कोई फायदा नहीं। अरे वो आ रहा है। वेल, अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। तो ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना। तो तांजू, कैसा रहा सब कुछ? तुम्हें बाथरूम मिल गया था ना? तुम्हारा दोस्त गलत दरवाजे में घुस गया था। वो एक ऐसे कमरे में चला गया जहाँ वो पवित्र हड्डी रखी हुई है जिसे मैंने 40 साल पहले ढूंढा था। आहा, चलो कोई नहीं, अब हमको चलना चाहिए। हाँ चलो, सब ख्याल रखना। तो मैं चलता हूँ। गुड बाय। अलविदा। अलविदा। अब चलो भी निकाटी। पापा, वो बहुत ही गुस्से वाला आदमी था ना, है ना? हाँ बिल्कुल, पर अच्छा हुआ तांजू बिना हड्डी के वापस लौट आया, वरना वो खड़ूस हमें धो देता। ये क्या हो रहा है? पापा, भूकंप! ये सब हम पर गिर जाएगा पापा। अरे भूकंप! अरे पापा भूकंप! ये जगह तो टूट रही है, कहीं उन लोगों ने हड्डी कहाँ गई? मेरी हड्डी! उन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। तांजू, यकीन नहीं हो रहा, तुमने वो पाक हड्डी चुरा ली? अबे मैंने चुराई नहीं, ये मेरी अपनी ही है। तुमने चोरी की? इधर आओ, तुम्हारी तो। अरे छोड़ो मुझे। ओ तांजू तो गया, अब हम उसके बिना कैसे रहेंगे? चुप रहिए। पापा आप जाओ और तंजू मामा को बचाओ। निकाटी, तुम यहीं बैठे रहो और अपनी छाती पीटते रहो। ठीक है। और मैं यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढता हूँ, समझे? ठीक है बेटे, मैं जा रहा हूँ। हेलो दादाजी, जरा गौर से सुनिए। मेरी हड्डी वापस करो, मैं तुम्हें ये खूबसूरत जगह गिराने नहीं दूंगा जो मैंने बनाई थी। खूबसूरत जगह? आप भी ना पापा, ऐसी क्या बात है इस जगह में? हम यहाँ इसलिए रह रहे थे क्योंकि आपको बुरा ना लगे पापा। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम नालान, क्या तुम भी ऐसा ही सोचती हो? हाँ बच्चे सही कह रहे हैं, ये दरअसल कोई अच्छी जगह नहीं है, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। अरे यार, ये सब जगह से गिर रहा है, हमें जल्दी से ऊपर जाना चाहिए। चलो 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 चलो। अब ये सही से लग गया। कैनन, जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो, अब हम इसे वापस खींचेंगे।
ये क्या हो रहा है? अरे वाह, ये तो काम कर गया। हे हम आ गए। तुम्हारा स्वागत। वाह, ये जगह तो मस्त है। यहाँ तो कितनी ताजी हवा चल रही है। हाँ सही कह रहे हो, कितनी ताजी हवा चल रही है। काश सेव की हम यहीं रह पाते। दरअसल मुझे भी नहीं पता। सेव की, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे घर पर बदतमीजी की। तुम चाहो तो ये हड्डी रख सकते हो। शुक्रिया, गुस्से में मैं भी कुछ ज्यादा ही बोल गया, मुझे माफ करना। तो क्या हम यहीं रहेंगे पापा? अब कर भी कह सकते हैं, सब यहीं रहेंगे। ओले, अरे वाह! मेरी मदद करो, कोई तो आओ, मैं यहाँ फंस गया हूँ, कोई है जो मुझे निकालेगा? भूख लग गई। अरे मैं क्या कह रहा था, प्लीज कोई मेरी मदद करो। चलो लुका छुपी खेलते हैं। लुका छुपी खेलूंगा, लेकिन ढूंढेगा कौन? मैं भी नहीं बनूंगा। मैं भी नहीं। मैं भी नहीं। मैं भी नहीं। मैं भी नहीं। कैनन, तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा। ये तो चीटिंग है, हमेशा मैं ही क्यों? क्योंकि तुम सबसे कमजोर खिलाड़ी हो कैनन। ऐसा मत कहो प्लीज, मैं हर खेल में माहिर हूँ। आप देखना किस तरह इस बॉल को ऊपर उछालती हूँ, तुम सब लोग देखते रह जाओगे। लेकिन मैथ्स में अच्छी हूँ। किट्टी ने करेला खरीदा, पर वो करेला निकला कड़वा, तो किट्टी केरला करेला खरीदने गई, फिर भी निकला कड़वा करेला। करेला कड़वा था और करेला रहेगा ही कड़वा। बस करो निकेटी, बहुत हो गया, प्लीज चुप हो जाओ। कैसा गाता हूँ रमजी, चैलेंज शो आसानी से जीत जाऊंगा ना? अब मुझे नहीं पता निकेटी, क्यों ना कुछ और किया जाए बस गाने को छोड़कर, क्या कहते हो पार्टनर? मुझे कुछ और नहीं आता रमजी, बस मुझे गाना गाना अच्छा लगता है। इसे तुम अच्छा कहते हो, वाह। मेरे हिसाब से चिल्लाने के बजाय तुम्हें दिल से और सुर में गाना चाहिए। बताओ तू इस समय दिल कौन सी दुकान पर मिलेगा रमजी? अरे वो तुम्हारे अंदर ही है निकेटी, चिल्लाने के बजाय अपने दिल से उस गाने को महसूस करो, तुम्हारी आवाज अंदर से आनी चाहिए निकेटी। मुझसे बहुत मुश्किल काम करने को कह रहे हो ना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। किट्टी ने करेला खरीदा, पर वो करेला निकला कड़वा। चलो शुरू करो, आंखें बंद करो कैनन। किस जगह गिनती करूं? इस पेड़ के नीचे चले जाओ। ये तो बहुत सुंदर पेड़ है, इसे पहली बार देख रहा हूँ मैं। मैं भी इसे पहली बार देख रही हूँ, कल तक यहाँ नहीं था। तो चलो अब आंखें बंद करो और खेल शुरू करते हैं। ठीक है, गिनती हूँ मैं, 10 से उल्टा गिनूंगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, मैं आ रही हूँ। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ये क्या, पार को क्या हो गया, ये काला कैसे हो गया? हेलो ताकिर, आलिन, कोई है? कहाँ चली गई? ये हमें ढूंढने क्यों नहीं आई? ये क्या कर रहे हो साकिर? क्यों, क्या हो गया? थोड़ी आंख लग गई थी। चलकर देखना चाहिए। और अगर उसने कहीं बाहर जाते हमें आउट कर दिया तो? मैं तो जाऊंगा। कैनन, कैनन, कहाँ हो तुम? ये पत्ते यहाँ कैसे आए? क्या अचानक पेड़ पर से गिरे? ढूंढो ढूंढो हमें कैनन, ढूंढो। अरे सुनो दोस्तों, गेम को रोक दो, बाहर आओ, कैनन गायब है, उसे ढूंढो। कहाँ गई वो? शायद हमें ढूंढ रही होगी। यहाँ कुछ तो अजीब सा हुआ है। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ये ऊंचे पीठ ऊंट का। बहुत खूबसूरती, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? कैनन कहीं नहीं मिली रामजी अंकल। क्या? हे, कोई है वहाँ पर? ये तो आइलिन है। आइलिन, अक्कड़ पक्कड़ बम्बे बो।
मुझे डर लग रहा है। एक काम करते हैं, याद करो तुम्हारे सामने क्या क्या हुआ था। हम सब यही छुपे थे, कैनन पेड़ के सहारे खड़ी थी। सब लोग जाकर वहीं छुप जाओ, मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, शायद पता लग जाए यहाँ क्या हुआ था। बढ़िया काम किया है, छुप रहना तो बहुत मुश्किल है, मैं भी कहीं छुप जाता हूँ। नहीं तुम मत छुपना, तुम यही रहो, देखना मेरी गिनती पर क्या होता है। ठीक है, पलक भी नहीं झपकाऊंगा रैमजी। 10, 9, 8, 7। अभी तक कुछ नहीं हुआ रैमजी। 6, 5, 4। पलक भी नहीं झपकाऊंगा। 3, 2। खुजली हो रही है। 1, 0। छुप जाओ, छुप जाओ, अच्छे से छुप जाओ, मैं आ रहा हूँ। बस 0 पर एक बार पलक झपकाई थी, मैं खुजली हो रही थी। ये कहाँ पहुँच गए हम, ये जगह बिना रंग के क्यों है। पलक नहीं झपकाने से कहीं मैं कलर ब्लाइंड तो नहीं हो गया। अरे नहीं निकाटी, यह वाकई में कोई रंग नहीं है, यानी उस पेड़ के नीचे आँख बंद करने के बाद हर कोई यहाँ पहुँच जाता है। कहीं वो निकाटी और डैड तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, गमले फिर से टूट जाएंगे, ये पक्का वो नहीं हो सकते। ओ कैनन, वो कैनन है ना। नहीं, आप दोनों असली नहीं हो सकते, आप कोई और हो। बेटी कैनन भागो मत। अरे निकाटी मेरे साथ आओ, उसे पकड़ते हैं। वो घबराई हुई है रामजी। जी हाँ सर, हम पार्क में पहुँच चुके हैं, हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं। क्या करने का सोच रहे हो, ऐसे पेड़ नहीं काट सकते। अरे हम इसे काट नहीं रहे बल्कि दूसरी जगह ले जा रहे हैं, यहाँ बूढ़े लोगों के लिए जिम बनने वाला है। पर मेरे पापा और बहन इस पेड़ के अंदर हैं। बेटा तुम ये कैसी बात कर रहे हो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी। अरे इंजन चालू करो, रेस्ट कर लो बेटा, नहीं तो रेस्ट इन पीस हो जाओगे। दादाजी आप ये क्या कर रहे हैं, आप ठीक तो है ना। अरे मेरी बात समझो बेटा, ये कोई आम पेड़ नहीं है। 70 साल पहले एक छोटी बच्ची लुका छुपी खेल रही थी, इस पेड़ के नीचे उसने आंखें बंद की और वो अचानक गायब हो गई। को लगा कि इस पेड़ की वजह से वो गायब हुई है, फिर उन्होंने इसे एक जादुई पेड़ समझकर काट दिया। अब ये गलती तुम लोग मत करो वरना पछताना पड़ेगा, समझे तुम लोग मेरी बात। सच में तो ये पेड़ यहाँ पर फिर से कैसे आ गया। क्या लगता है तुम्हें, ये फिर से किसी और को गायब करके रहेगा, समझे। कुछ भी, क्या फालतू कहानी है ये। थोड़ी देर रुक जाओ पुलिस अंकल प्लीज, रैमजी अंकल और निकाटी कैनन को ढूंढने गए हैं। 5 मिनट का टाइम दूंगा बस, उसके बाद इस पेड़ को हटा दूंगा मैं। मुझे यहाँ से निकलना होगा, हर हाल में निकलना होगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। तुम कौन हो, मेरे सामने आओ। मैं हूँ इसी दुनिया की प्रैंक सेटर दादी, तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ बच्ची। खेलना है, कौन सा गेम। लुका छुपी। वो रही कैनन मेरी बेटी। कैनन क्या कर रही हो, हाँ ये क्या है। पापा क्या आप हैं, क्या आप असली पापा हो। ये जानने का बस एक ही तरीका है, मेरा बर्थडे कब है। मुझे सच में याद नहीं है बेटी, ये मेरी गलती है। ये आप ही मेरे पापा हैं, आपको देखकर अच्छा लगा। तुम बहुत ही प्यारी हो, फिकर मत करो, इस गेम में हारोगी तो हमेशा के लिए इसी दुनिया में मजे से रह सकती हो, नहीं तो। हाँ? गेम, कौन सा गेम। वीडियो गेम्स की बात की होगी। नहीं लुका छुपी की, ये चाहती है कि हम इसे ढूंढे। तो फिर हमें इसकी तरह ही सोचना पड़ेगा। स्वीटी बाजार में घूम घूम कर मेरी बुढ़ी हड्डियां दर्द करने लग गई। उफ निकाटी, उसकी आवाज की नकल करने को नहीं कहा, मैंने कहा उसकी तरह सोचो। बाजार जाना होगा, सारी दादियां बाजार जाती हैं। सही कहा तुमने, वही चलते हैं। आज डिनर में क्या बनाऊंगी, ब्रोकली कैसी रहेगी। हाँ, वो रही दादी। निकाटी तुम उस तरफ से जाओ, समझे, मैं इस तरफ से उसे घेरूंगा, हम दोनों उसे एक साथ घेरेंगे, समझ गए ना। निकाटी अब तुम्हें क्या हो गया। मुझे क्या हो रहा है, सुस्त क्यों हो, तुम ठीक हो ना। पापा उसे डराओ मत, एक बात तो साफ है कि इस दुनिया की तरह हम भी अपना रंग खोते जा रहे हैं, कुछ जल्दी करना होगा। सही कहा तुमने, निकाटी फुर्ती दिखाओ, उस दादी को पकड़ो। पापा ये तो एक होलोग्राम है, इसका मतलब असली दादी कहीं और है।
मैं यहाँ हूँ। हाँ आओ इस तरफ चलो, आवाज इस दुकान के अंदर से आ रही है। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। रमजी अपने आप को देखो तो तुम्हारी हंसी छूट जाएगी। किसी भी शीशे के सामने मत जाओ निकेटी। क्यों? अब बस थोड़ी देर में तुम सब गायब हो जाओगे। और तुम्हें पकड़ लिया दादी। मैं यहाँ हूँ। ये तो दर्पण वाला खेल खेल रही है। यहाँ आओ। आ, ये भी नहीं थी। पापा ये हमें बुद्धू बना रही है, ये जरूर किसी दर्पण के पीछे ही छुपी होगी। एक एक शीशा तोड़ने में सारी रात निकल जाएगी। हाँ रुको, मेरे पास एक शानदार आइडिया है। निकेटी दिल से जोर जोर से गाना गाओ। हूँ क्या अभी? इसके लिए तो मैं ऑलवेज रेडी हूँ। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की पीठ ऊंची। काम कर गया, ये सही आइडिया था। ऊंट आया पहाड़ के नीचे, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची। रुक जाओ निकाटी, काम बन गया। तुम्हारा खेल खत्म दादी, तुम अब हार गई। पहली बार अपने ही गेम में तुम लोगों से हार गई मैं। यहाँ आए ही क्यों तुम लोग? अपना वादा निभाओ और हमें अपनी दुनिया में वापस भेजो। जाओ तुम लोग, वैसे भी तुम मुझे पसंद नहीं आई। मैं थोड़े कमजोर खिलाड़ियों को ढूंढती हूँ। तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। ड्राइवर इस पेड़ को हटाओ यहाँ से। ये है, वो लौट आए, वो लौट आए। हाँ लेकिन ये कैसे हो गया? ये सब क्या हुआ अभी? देख लिया ना हवलदार साहब, मैं ऐसे फालतू की बात नहीं करता, समझे? इस पेड़ को कहीं और ले जाइए और जाकर छुपा दीजिए ताकि कोई और इसके आसपास भी ना पाए। मैं तो कभी नहीं जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो बताओ अब क्या करना है हमें? अब एक ही गेम बचता है, बॉल फेंकने का। वाह अभी बताता हूँ। अभी तो मैं जवान हूँ, जिगर में बड़ी आग है ले। माफ कर देना। Thank you.